आसाम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हुए हमले का कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है और भोपाल में भी कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता यहां पर मौन धरना दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, भोपाल का रोशनपुरा कांग्रेस का जिला कार्यालय है, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और तमाम कांग्रेस के यहाँ पर नेता कार्यकर्ता पहुँचे हैं बड़ी संख्या में और मौन धरना दे रहे हैं। इनका आरोप है कि जिस तरह से आसाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा पर जो हमला हुआ है वो उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है और ऐसे में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में भी आएगी तो भी जो है उनकी इस यात्रा पर हमले की साजिश रची जा सकती है। ऐसे तमाम आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शांतिपूर्ण निकल रही है और लोगों की आवाज़ उठा रही है, लोगों की आवाज़ बन रही है, ऐसी यात्रा पर हमला किया जा रहा है तो वो बिल्कुल निंदनीय है। तो यहाँ पर मौन धरना दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये धरना जो है वो पूरे देश भर में दिया जा रहा है। लगभग सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर धरना देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हाथ में काले रिबिन बांधे हुए हैं और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता मौन धारण किए हुए हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में ये यात्रा निकलेगी तो उसको बेहतर सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरह से आसाम में पूरा घटनाक्रम हुआ इसको लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में इसका विरोध कर रही है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।